हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जस्ट लाइक एप्लीकेशन प्लेन आर्किटेक्चर कि उस आर्किटेक्चर के अंदर एक मेन इम्पॉर्टेंट लेयर था, उसको हम यहाँ पे फिर से लेंगे और थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करेंगे कि उस लेयर का नाम है दैट इज नेटवर्क सर्विस एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ओके, इस लेयर के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्शन कीवर्ड दिया है कि अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्शन देयर आर द डिफरेंट टाइप्स और सर्टन टाइप्स फॉर एन एब्स्ट्रैक्शन। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करने वाले, उस एब्स्ट्रैक्शन को यहाँ पे डिफाइन करने वाले, क्या एक्चुअली क्या मेकेनिज्म है हमारे एब्स्ट्रैक्शन लेयर का, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट टेक्नोलॉजी या क्या क्या सीनारियो इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं, एंड लेयर्स किस तरह से हमने यूज किए हमारे कंट्रोल प्लेन, देन डेटा प्लेन एंड एप्लीकेशन बीच, उसके अंदर इंटरेक्शन करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट करते। तो बेसिकली एक चीज़ याद रखो कि ये जो सेशन है हमारा फॉरम मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है यूनिट सेकेंड, तो उसके अंदर से हम ले रहे। सो लेट स्टार्ट करते। तो व्हाट इज़ अ नेटवर्क सर्विस एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ओके, नेटवर्क सर्विस एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ओके, यहाँ पे बेसिक फर्स्ट चीज हमें याद देखना है कि एब्स्ट्रैक्शन मीन्स वॉट। ओके, एब्स्ट्रैक्शन इज अ रेफर टू द अमाउंट ऑफ डिटेल पुट लोअर लेयर ऑफ मॉडल दैट इज विजिबल टू अ हायर लेवल, कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिटेल होगी या वैल्यू होगी जिसको हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है। कहाँ से, कि जो हमारे हायर लेवल से या जो हाई वॉल्यूम डेटा होगा उसमें से एक लोवेस्ट, एक एब्सोल्यूट, एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें कंसिडर करनी है जिसके तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या कोई एनालिसिस कर सकते हैं। एंड इन एब्स्ट्रैक्शन लेयर इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट ट्रांसलेट द हाई लेवल रिक्वेस्ट इनटू अ लोअर लेवल कमांड, कि हाई लेवल की जो रिक्वेस्ट होगी उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हमारे लो लेवल कमांड में, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन रिक्वेस्ट। एन एपीआई वन सच अ मैकेनिज्म, एक एपीआई जैसे लाइक उसके अंदर हम ए मैकेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। इट शील्ड्स द इम्प्लीमेंट डिटेल्स ऑफ द लोअर लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लेयर एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एट अ हायर लेवल, कि वो है बाय यूजिंग एन सॉफ्टवेयर हम जो हायर से लोअर एंड लोअर से हायर लेवल डेटा क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। द नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क एंटिटी, कि इसके अंदर नेटवर्क एंटिटी क्या है कि जिसके ऊपर हम डेटा एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सच एज हमारा स्विच, लिंक, पोर्ट, फ्लो। ओके, फ्लो इन द सेंस फ्लो टेबल इसके अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम डेटा रिप्रेजेंट करने वाले। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंटिटी हम इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द एब्स्ट्रैक्शन इन एसडीएन। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि थ्री लेयर्स जो हमें पता है या थ्री प्लेन बोलते हैं हम जिसे, कि एप्लीकेशन प्लेन, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, कि थ्री टाइप्स ऑफ प्लेन है एंड उसके अंदर थ्री टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। ओके, फर्स्ट इज स्पेसिफिकेशन एब्स्ट्रैक्शन जो एप्लीकेशन के अंदर है, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटेड एब्स्ट्रैक्शन जो नॉर्थ बाउंड एपीआई के सामने है, एंड थर्ड इज फॉरवर्डिंग एब्स्ट्रैक्शन जो साउथ बाउंड एपीआई के सामने। ओके, जो ब्लू, रेड, ग्रीन तीन कलर के अंदर थ्री डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, फॉरवर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेसिफिकेशन एब्स्ट्रैक्शन। के फ्लो किस तरह से होने वाला है, नीचे से फर्स्ट डेटा, कंट्रोल, एप्लीकेशन। आप आपके चैप्टर भी कंसिडर कर सकते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट आपका डेटा प्लेन का चैप्टर हुआ, देन कंट्रोल एंड देन अभी हमारा एप्लीकेशन प्लेन चालू है, तो सिक्वेंस भी एब्स्ट्रैक्शन का उस तरह से होगा। फर्स्ट इज एन फॉरवर्डिंग एब्स्ट्रैक्शन, देन सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एब्स्ट्रैक्शन एंड थर्ड इज द स्पेसिफिकेशन एब्स्ट्रैक्शन। ये थ्री टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमें देखने हैं। तो फर्स्ट देखते डायग्राम सेम ही आपके, जैसे कि उसके अंदर फोर बाउंड आपको मेंशन करने हैं,
southbound for distributed abstractions, southbound for forwarding abstraction, northbound for distribution abstraction and specification abstraction हमारे application plane के अंदर होने वाले three types of abstraction के according to diagram simply आप वहाँ पे represent कर सकते हैं. बाकी तीनों का diagram as it is हमारे SDN architecture के अंदर हमने cover किया है. तो let's start करते हैं हमारा first abstraction, that is an forwarding abstraction. फॉरवर्डिंग एब्स्ट्रैक्शन क्या बता रहे हैं हमें. द फॉरवर्डिंग एब्स्ट्रैक्शन अलाउ अ कंट्रोल प्रोग्राम टू स्पेसिफाई अ डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग बिहेवियर वाइल हाइडिंग अ डिटेल ऑफ द अंडरलाइंग स्विचिंग हार्डवेयर. एक क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे कि जो हमारे हम डेटा फॉरवर्ड करने वाले के विथ एन हाइडिंग ऑफ डिटेल ऑफ स्विच हार्डवेयर. एक्चुअल हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन हमें हमारे कंट्रोल प्लेन के पास नहीं देना है, किसी को भी नहीं बतानी. हम सिर्फ क्या करेंगे, जितना डेटा रिक्वायर्ड है कि जितना हमें क्वेरी आया है उसके अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्स है उतना ही डेटा हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे टू अ कंट्रोल प्लेन. दिस एब्स्ट्रैक्शन सपोर्ट अ डेटा प्लान फॉरवर्डिंग फंक्शन बाय एब्स्ट्रैक्टिंग वे फ्रॉम द फॉरवर्डिंग हार्डवेयर. इट प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेंडर न्यूट्रलिटी. जैसे कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो भी हम एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि जो कोड होगा हमारा या जो हार्डवेयर का कॉन्फिगेशन होगा यहाँ पे किसी को पता चलने वाला नहीं है. जो इसके अंदर क्या, इसके लिए हम कौन सा API यूज करेंगे, ओपन फ्लो API. ओके, वाई आर यूजिंग एन ओपन फ्लो API. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरवर्डिंग एब्स्ट्रैक्शन. जैसे लाइक जो हमने साउथ बाउंड देखा था, इन अ साउथ बाउंड API कैरीज एन ओपन फ्लो API. जो हमारा साउथ बाउंड API उसके अंदर हमने साउथ बाउंड है उसके अंदर हमने ओपन फ्लो API का एग्जाम्पल देखा था. सिमिलर ओपन फ्लो के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसके ऊपर भी हमारा एक ट्यूटोरियल हो चुका है. आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. देन नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज एन डिस्ट्रीब्यूटेड एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज द सेकेंड एब्स्ट्रैक्शन. तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, द एब्स्ट्रैक्शन इज अराइजेस इन अ कंस्टेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल. द कोऑपरेटिंग सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल मेंटेन द स्टेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेटवर्क एंड राउटर थ्रू अ नेटवर्क. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस क्या होगा कि नंबर्स ऑफ डिवाइसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे, नंबर्स ऑफ नेटवर्क होंगे, तो सभी को हमें हैंडल करना है. तो उस कि जितने भी नंबर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट होंगे, इन द सेंस अप स्टेट होगा, डाउन स्टेट होगा, तो अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस तो क्या होंगे, टाइम टू टाइम चेंज होंगे. तो सभी को हैंडल करने का काम किसका है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एब्स्ट्रैक्शन का. ओके, द डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट ऑफ द एंटायर नेटवर्क मे इन्वॉल्व अ पार्टीशन डेटा सेट विथ कंट्रोलर इंटरफेस instances exchanging routing information or the reply a data set. कि किस तरह से data exchange करेंगे, by using an different routing information through send करेंगे. और एक scenario देख सकते हैं, जैसे like by using a data set कि जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी जो routing information होगी सभी data हम यहाँ पे forwarding करने वाले. So that the controller must cooperate to maintain a consistency view of global network. तो distributed abstraction को क्या करना पड़ेगा कि जो control कर रहे, कि जो controller से हमारे application को जो data transfer कर रहे उसके अंदर हमें consistency provide करनी पड़ेगी, जिसके तो जो भी network हम maintain कर रहे उसका हमें एक proper consistent व्यू मिलने वाला है. ओके, देन सेकेंड टर्म उन्होंने इसके अंदर बताया, दैट इज दिस एब्स्ट्रैक्शन एम एट हाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म एंड सेपरेटिंग अ स्टेट मैनेजमेंट फ्रॉम अ प्रोटोकॉल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट. कि जो हमारे एप्लीकेशन है उसको सिर्फ उसकी जो रिक्वायर्ड डेटा होगा उतना ही उसको
पास ऑन करना है जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ नेटवर्क, इधर से नंबर्स ऑफ जो राउटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, नंबर्स ऑफ डेटा सर्वर्स हम इसके अंदर यूज करते हैं, एंड नंबर्स ऑफ क्वेरीज प्रोटोकॉल्स कमांड्स यूज करते हैं। तो ये जो भी डेटा है हमारे एपीआई थ्रू एप्लीकेशन थ्रू हमें क्या करना है, हाइड करना है। उस पर्पज के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड एब्स्ट्रैक्शन यूज करने वाले हैं। इट्स अलाउ टू प्रोवाइडिंग अ सिंगल कोहेरेंट ग्लोबल व्यू ऑफ ए नेटवर्क थ्रू एन अनोटेटेड नेटवर्क ग्राफ एक्सेसिबल टू फॉर कंट्रोलर वाया एन एपीआई। एपीआई थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ग्लोबल व्यू है हमारे नेटवर्क का उसको देख सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो सच है जिसके लिए हमें कौन सा एपीआई प्रोवाइड हुआ है, कौन सा एपीआई हम यूज करते हैं, दैट इज एन ओपन डेलाइट। ओके, ओपन डेलाइट बाय यूजिंग ओपन डेलाइट हम इसको यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज एन स्पेसिफिकेशन एब्स्ट्रैक्शन। ओके, जस्ट लाइक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन एब्स्ट्रैक्शन। द स्पेसिफिकेशन एब्स्ट्रैक्शन देन प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ग्लोबल नेटवर्क। ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, ये हमारे एप्लीकेशन प्लेन के अंदर स्पेसिफिकेशन एब्स्ट्रैक्शन हमें मिलने वाला है। इसका टास्क क्या है, जो ग्लोबल व्यू होगा, क्या हमारे नेटवर्क का जो ग्लोबल व्यू होगा प्रोवाइड करने का टास्क हमारा स्पेसिफिकेशन एब्स्ट्रैक्शन करने वाला है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 3 types ऑफ इंटरफेस हमें इंक्लूड मिल जाएंगे। फर्स्ट इज एन फॉरवर्डिंग इंटरफेस, डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस एंड स्पेसिफिकेशन इंटरफेस। ओके, तीनों जो एब्स्ट्रैक्शन है, तीनों के इंटरफेस हमें इन स्पेसिफिकेशन एब्स्ट्रैक्शन के अंदर मिलने वाले है। तो फर्स्ट इज एन फॉरवर्डिंग इंटरफेस के अंदर क्या है, एन एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तीनों का समरी हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जस्ट लाइक फॉरवर्डिंग इंटरफेस के अंदर क्या है, एन एब्स्ट्रैक्शन फॉरवर्डिंग अ मॉडल दैट शील्ड अ हायर लेयर फ्रॉम अ फॉरवर्डिंग हार्डवेयर। कि जो भी हम हार्डवेयर के कंपोनेंट पास करने वाले या हार्डवेयर की डिटेल पास करने वाले उसको शील्ड करने के लिए या प्रोटेक्ट थ्रू नेक्स्ट लेयर को फॉरवर्ड करने का टास्क फॉरवर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट फॉरवर्डिंग इंटरफेस करने वाला है। देन डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेस क्या करेगा, अ ग्लोबल नेटवर्क व्यू दैट शील्ड द हायर लेयर फ्रॉम द स्टेट ऑफ कलेक्शन, जहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके थ्रू एंड जो हमारा हायर नेटवर्क है उसके बीच में एक शील्ड का काम हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस करता है। देन थर्ड इज एन स्पेसिफिकेशन इंटरफेस, इज एन एब्स्ट्रैक्ट नेटवर्क व्यू दैट शील्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम फ्रॉम डिटेल्स ऑफ फिजिकल नेटवर्क। इसके अंदर क्या होगा, जो एप्लीकेशन के लिए हमें डेटा रिक्वायर्ड होगा उतना ही डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, एक्चुअल जो फिजिकल डेटा होगा हमारा वो इसके अंदर हम किसी को प्रोवाइड नहीं करेंगे। सिर्फ जितना लॉजिकल या एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है उतना डेटा हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले। इफ आपको तीनों एब्स्ट्रैक्शन लेयर के अंदर कोई सजेशन होगा तो या कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी इस वीडियो के अंदर तो भी हमें बताएं, सो हम इसके अंदर उस इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। देन ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको हेल्प हुई होगी स्टडी के रिगार्डिंग लिए, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आपके दोस्तों को साथ शेयर कर सकते हैं एंड सिमिलर टॉपिक के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।